सरिश जी। लुकमान सरिश क्या टाइम हो गया, बच्चे अभी तक नहीं आए ट्यूशन से पढ़ के? हाँ बच्चे तो वाकई लेट हो गए हैं, शायद वैसे ही पढ़ रहे होंगे, आज एग्जाम्स हो रहे हैं ना इस वजह से बच्चे जरा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम पढ़ रहे हैं, आ जाएंगे बस छुट्टी हो गई होगी। चलो ठीक है मैं 5 मिनट देखता हूँ, वरना मैं खुद ही जाके ले आता हूँ। इस टाइम वो अकेले कैसे आएंगे, बहुत देर हो गई है। हाँ ये भी ठीक है। ओह लगता है आ गए बच्चे, मैं देखती हूँ। ओह लगता है आ गए बच्चे घर। अब्दुल रहमान को क्या हो गया? अब्दुल रहमान आ गए बच्चे। क्या हुआ अब्दुल रहमान, आप क्यों रो रहे हो? बेटा घर आके तो आपने सलाम भी नहीं किया किसी को, आते ही रोना शुरू कर दिया, क्या बात हुई है, कोई लड़ाई हुई है किसी से? मामा। फिर क्या हुआ अब्दुल रहमान? क्या हुआ अब्दुल रहमान, रो क्यों रहे हो आप? क्या बात हुई है बेटा बताओ हमें। मामा, बाबा, टीचर ने मैं डांटा। टीचर ने डांटा, वो क्यों अब्दुल रहमान? टीचर ने डांटा, क्यों डांटा टीचर ने आपको? कितनी गलत बात है ये, देखो मेरा बेटा कैसे रो रहा है। बाबा टीचर ने मैं बहुत ज्यादा डांटा है। एगो एगो। हिम्मत कैसे हुई टीचर की इसको डांटने की, वो होती कौन है इसको डांटने वाली? मैं ट्यूशन पढ़ने नहीं जाना। अब्दुल रहमान आप अभी मेरे साथ चलो, मैं अभी पूछ के आता हूँ क्यों डांटा उन्होंने मेरे बेटे को। जब हम नहीं डांटते अपने बच्चों को तो फिर टीचर की कैसे हिम्मत हो गई कि वो मेरे बेटे को डांटे। चलो अब्दुल रहमान हम अभी टीचर से पूछ के आते हैं क्यों डांटा उन्होंने। लेकिन लुकमान बात तो सुने। चलो आओ मेरा बेटा हम टीचर से पूछ के आते हैं। अरे लुकमान कहाँ लेके जा रहे हैं, रुके लुकमान बात तो सुने। जी एक मिनट रुक जाए लुकमान। क्या बात है सैरिश बताओ आप जल्दी। मैं कह रही हूँ ना प्लीज एक मिनट इधर आके बैठे, हमें पहले पूछने तो दो, हुआ क्या है, ऐसे हम टीचर को जाके कैसे पूछ सकते हैं? हैरत है तुम अभी भी कह रही हो रुक जाओ, क्यों रुक जाऊं, देख रही हो मेरा बेटा कैसे रो रहा है, किस तरह से डांटा है टीचर ने उसको, हो सकता है मारा भी हो। मैं तो जाऊंगा, मैं तो पूछ के आऊंगा, हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं मार खाने के लिए नहीं भेजते, अगर पढ़ा नहीं सकते तो बच्चों को डांटे भी ना, ये क्या बात हुई। जब हम अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते फिर वो क्यों डांटते हैं, हम फीस पे करते हैं बच्चों को पढ़ाने की, कोई फ्री में नहीं पढ़ा रहे, टीचर को अपना एटीट्यूड देखना चाहिए। ठीक है लुकमान आपकी बात भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने दोनों बच्चों से पूछना चाहिए कि बात क्या हुई थी, अगर उनकी गलती नहीं होगी तो मैं आपके साथ आऊंगी टीचर को पूछने, लेकिन अभी आराम से हम पहले अपने बच्चों की बात सुनते हैं, प्लीज आ जाए बैठ जाए। चलो पहले बच्चों से पूछ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। चलो अब्दुल रहमान इधर आओ, मुझे बताओ, चलो चलो अब्दुल रहमान इधर बैठो, बताओ मुझे क्यों डांटा था टीचर ने आपको। बताओ अब्दुल रहमान क्या बात हुई थी, टीचर ने आपको क्यों डांटा था? बेटा आप बोलोगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या बात हुई है। बताओ मेरा बेटा क्या हुआ था, क्या बात हुई थी, टीचर ने क्यों डांटा था आपको? मरवा आपको पता क्या बात हुई है? मरवा बेटा आपको पता है तो आप ही बता दो। जी बाबा मुझे पता है क्या बात हुई है। बताओ मरवा क्या बात हुई थी, क्या बात हुई है बेटा बताओ मुझे। बाबा मम्मा
टीचर ने अब्दुर्रहमान को होमवर्क दिया था और अब्दुर्रहमान ने होमवर्क नहीं किया। अच्छा फिर? पहले तो टीचर ने कहा था अब्दुर्रहमान को कि यही बैठ के होमवर्क फिनिश करो, फिर इतनी देर हो गई अब्दुर्रहमान ने अपना होमवर्क ही नहीं फिनिश किया। अच्छा फिर? टीचर अब्दुर्रहमान को बार बार प्यार से कह रही थी कि अपना होमवर्क फिनिश कर लो, लेकिन अब्दुर्रहमान अपने फ्रेंड के साथ बार बार बातें करता जा रहा था। ओहो अब्दुर्रहमान ये तो गलत बात है। फिर टीचर को गुस्सा आ गया, फिर टीचर ने अब्दुर्रहमान को थोड़ा सा डांटा। टीचर ने अब्दुर्रहमान के फ्रेंड को और अब्दुर्रहमान को अलग अलग बैठा दिया। टीचर ने अब्दुर्रहमान को कहा तब तक होमवर्क नहीं होगा तब तक छुट्टी भी नहीं मिलेगी, इसलिए तो हम लोग लेट आए और अब्दुर्रहमान रो रहा है तब से ही। देखा तुमने अब्दुर्रहमान के काम, इसीलिए मैंने कहा था ना पहले हम अपने बच्चों से पूछ लेते हैं कि क्या बात है। आपने ऐसे ही जाना था, टीचर से झगड़ना था और कितनी बात बढ़ जानी थी, और गलती हमारे ही बेटे की निकलनी थी। सही कह रही हो अब्दुर्रहमान, ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा। देखो बेटा मैं आपकी वजह से टीचर के साथ लड़ने जा रहा था। बाबा अब्दुर्रहमान को टीचर ने ज्यादा जोर से नहीं डांटा था, थोड़ा सा डांटा था क्योंकि अब्दुर्रहमान ने होमवर्क नहीं किया था। देखो बेटा टीचर की बात मानते हैं, हम आपको वहाँ पे पढ़ने भेजते हैं, ऐसे शरारते करने नहीं भेजते। अब आपकी भी तो गलती है ना, आप होमवर्क करके नहीं गए थे और ऊपर से आप टीचर की बात भी नहीं सुन रहे थे। बेटा जो टीचर होती है ना वो भी आपकी मामा बाबा की तरह होती है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो टीचर्स होती हैं वो मामा बाबा की जगह पर होती हैं और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स आपको हर अच्छे काम सिखाते हैं। आपको पता है इस दुनिया में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी अच्छे इंसान हैं, वो सब टीचर की वजह से तो बने हैं, इसीलिए टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं बेटा। टीचर जो बात कहती हैं, टीचर की बात मानते हैं। देखो अगर आप टीचर की बात नहीं मानोगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, डांट तो फिर पड़ेगी ना। सॉरी मम्मा, सॉरी बाबा, मैं ऐसे नहीं करूंगा। इट्स ओके, अब आप अपना होमवर्क करके जाओगे ना। जी बाबा मैं होमवर्क करके जाऊंगा, अब मैं टीचर को तंग भी नहीं करूंगा। गुड जॉब, ये हुई ना बात, अब आप मेरे अच्छे बच्चे लग रहे हो। और गुड जॉब मरवा, आपने सच बात बता के बहुत अच्छा काम किया है, हमेशा ऐसे ही सच बोलते हैं। थैंक यू मम्मा। चलो बच्चों अब आप दोनों फ्रेश हो जाओ, इजी हो जाओ, मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? चलो बच्चों आप दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब मिलके खाना खाते हैं। उतारो बैग, चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। चलो आज चलो Friends, this is Sahresh and this is Lukman from Dubai. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जरूर बताएं. And don't forget to like, share and subscribe to our channel. Take care, much love, Allah Hafiz. Bye.